पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पांच जनवरी को भूटान देश में आयोजित हुई साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कर रहे पागबड़ा के अभी ग्रेवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जहां देश का गौरव बढ़ाया, तो वहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देने का काम भी किया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई काम कठिन नहीं होता। आज जैसे ही ये सूचना अभी के दोस्तों को लगी, वैसे ही अभी के परिजनों के साथ सभी दोस्त पागबड़ा जीरो पॉइंट पहुंच गए और अपने इस होनहार का जोरदार स्वागत किया। अभी ग्रेवाल का उसके साथियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं ने अपने साथी की शान में जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। हमारे संवाददाता ने जब 11 देशों की चैंपियनशिप जीतकर आए अभी ग्रेवाल से बात की, तब उन्होंने बताया कि वो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और खेल के क्षेत्र में युवाओं को जोड़कर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। वहीं अभी के पिता चौधरी जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। देश का हर युवा देश का गौरव बढ़ाए, ये ही उनकी चाहत है। अभी की मां सविता देवी भी काफी खुश नजर आईं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने देश का मान बढ़ाया है। कोच अंजलि का कहना है कि अभी में बहुत कुछ करने का जज्बा है, अभी देश के लिए खेल रहा है और एक दिन जरूर ओलंपिक गोल्ड जीत कर देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितनी मेहनत करते हैं बेटे आपके? बहुत मेहनत करता है, जभी तो यहाँ तक पहुँचा है। क्या कहना चाहती हूँ अपने बेटे से, क्या उम्मीद है आपको आगे आने वाले दिनों में? देश का नाम रोशन करे, आने वाले समय में भी देश की देश में जीत खावे। बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में बेटे से? मेरे गाँव का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। जो युवा इस ओर आना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सब इसकी तरह मेहनत करें जैसी मेहनत कर रहा है। कितनी मेहनत करती हैं आप भी इनके साथ, कितना क्या आपको क्या उम्मीद है इनसे आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में ये उम्मीद है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आएगा और ओलंपिक में भी मेडल। जैसे आज युवा खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि देश का जो भविष्य युवाओं के हाथ में है? एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल के युवा इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट गर्ल्स भी इस क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो मेरा मानना उनसे यही है कि वो इस देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे और आज के युवा भी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे। मतलब आपको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक घर का बेटा, हर एक घर की बेटी अपने परिवार वालों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देश के लिए मेडल लेकर आए और पूरे देश का नाम रोशन। जहाँ पे आपने South Asian, कौन सा स्थान प्राप्त किया आपने? फर्स्ट स्थान गोल्ड मेडल। कैसा लग रहा है आपको? अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि मैंने देश के लिए मेडल दिया है और मतलब अपने वजन में मेडल लाया हूँ देश के लिए, अच्छा महसूस हो रहा है। किसको रोल मॉडल मानते हैं अपना? मम्मी पापा और कोच। कितनी मेहनत की हो यहाँ स्थान आने तक अपने? कितनी मेहनत यहाँ तक? तो बहुत मेहनत की है, बहुत अपने हर चीज त्याग कर मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँचाऊंगा। और अब की बार रशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल देने की पूरी प्रयास है। जो और युवा हैं इस ओर आना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? उनसे कहना चाहूंगा कि मतलब अपने किसी लक्ष्य को बनाएं और उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करें। वो स्पोर्ट एक ऐसी चीज है, मतलब उससे अच्छा मतलब एक शरीर फिटनेस सबसे पहली बात, माइंड भी फिट रहता है और हर चीज मतलब अच्छी रहती है उससे। कितना मेहनत करते हो? कितने मेहनत तो प्लेयर तो मेहनत करता ही है।